वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये है हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास और वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास में जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो है परिवहन के साधन, और परिवहन के साधनों में आज हम चर्चा करने वाले हैं रेल मार्ग की। इससे पहले की क्लास में हमने चर्चा करी थी सड़क मार्ग की, तो आज हम देखेंगे रेल मार्ग। देखो जरा, रेल मार्ग लंबी दूरी तक स्थूल वस्तुओं तथा यात्रियों के स्थल परिवहन की विद्या है। मानक लाइन का उपयोग ब्रिटेन में किया जा रहा है। यूरोप में विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। यहाँ रेल मार्ग लगभग 440,000 किलोमीटर लंबे हैं, जिनमें से अधिकांश दोहरे एवं बहुमार्गी हैं। बेल्जियम में रेल घनत्व सर्वाधिक यानी प्रति 6-5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर 1 किलोमीटर पाया जाता है। लंदन, पेरिस, ब्रुसेल्स, मिलान, बर्लिन और वारसा महत्वपूर्ण रेल केंद्र हैं। इंग्लैंड में स्थित यूरो टनल ग्रुप द्वारा प्रचलित सुरंग मार्ग लंदन को पेरिस से जोड़ता है। यूराल के पश्चिम में अत्यंत सघन झाल से युक्त रूस में रेल मार्गों के द्वारा देश के कुल परिवहन का लगभग 90% भाग प्रबंधित होता है। बेसिकली मास्को रेलवे का एक महत्वपूर्ण मुख्यालय है, जहां देश के विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र के विभिन्न भागों में प्रमुख लाइनें विकिरित होती हैं। मास्को में भूमिगत रेलवे और दैनिक आवागमन की गाड़ियां भी महत्वपूर्ण हैं। उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक विस्तृत रेल मार्ग है, जो विश्व के कुल रेल मार्गों का 40% है। इसके विपरीत यूरोप के अनेक देशों में रेल मार्गों का प्रयोग यात्री परिवहन की अपेक्षा अधिकतर लंबी दूरी के स्थूल पदार्थों जैसे अयस्क, अनाज, इमारती लकड़ी और मशीनरी आदि के परिवहन हेतु अधिक होता है। ठीक है, सर्वाधिक सघन रेल तंत्र पूर्वी मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका तथा उससे संलग्न कनाडा के उच्च औद्योगिक तथा नगरीय प्रदेशों में पाया जाता है। कनाडा में रेल मार्ग सार्वजनिक सेक्टर में है और पूरे विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में वितरित है। महाद्वीप पारीय रेल मार्गों के द्वारा गेहूं तथा कोयले के भार का अधिकांश भाग परिवहन किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में लगभग 40,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग हैं, जिनका 25% अकेले न्यू साउथ वेल्स में पाया जाता है। पश्चिमी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया रेलमार्ग पर्थ से सिडनी तक एक छोर से दूसरे छोर तक जाता है। न्यूजीलैंड में रेलमार्ग मुख्यतः उत्तरी द्वीप में पाया जाता है, जो कृषि क्षेत्र को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। दक्षिण अमेरिका में रेलमार्ग दो प्रदेशों में सघन है, जिनके नाम है अर्जेंटीना के पंपास तथा ब्राज़ील के कॉफ़ी उत्पादक प्रदेश। इन दोनों प्रदेशों में दक्षिण अमेरिका के कुल रेलमार्गों का 40% पाया जाता है। दक्षिण अमेरिका के शेष देशों में केवल चिली एकमात्र ऐसा देश है जहां पर महत्वपूर्ण लंबाई के रेलमार्ग हैं, जो तटीय केंद्रों को आंतरिक क्षेत्रों में स्थित खनन स्थलों से जोड़ते हैं। दूसरा विशालतम महाद्वीप होने के बावजूद अफ्रीका में केवल 40,000 किलोमीटर लंबे रेलमार्ग हैं, जिनसे सोना, हीरे के सांद्रण तथा तांबा खनन क्रियाकलापों के कारण दक्षिण अफ्रीका में अकेले 18,000 रेलमार्ग हैं। यानी आप सोचिए, अफ्रीका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, लेकिन पूरे अफ्रीका महाद्वीप में केवल 40,000 किलोमीटर ही रेल मार्ग है, और उस 40,000 किलोमीटर में भी, जो कि पूरे अफ्रीका में है, 18,000 किलोमीटर तो अकेले साउथ अफ्रीका में ही है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अफ्रीका में रेल की स्थिति कितनी ख़राब है। अब देखो जरा, फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट रेल मार्ग हैं, जैसे बेंगवेला रेल मार्ग, जो अंगोला से कटंगा, जाम्बिया, तांबे की पट्टी से होकर जाता है, अफ्रीका का रेल मार्ग है सारे के सारे। तंजानिया रेलमार्ग जाम्बिया ताम्रपट्टी के तट पर स्थित दार ए सलाम तक जाता है। बोस्वाना और जिम्बाब्वे से होते हुए रेलमार्ग, जो स्थलबद्ध राज्यों को दक्षिण अफ्रीकी रेलतंत्र से जोड़ता है, और दक्षिण अफ्रीका गणतंत्र में केप टाउन से प्रिटोरिया तक ब्लू ट्रेन। ठीक है, अन्य स्थानों पर जैसे अल्जीरिया, सेनेगल, नाइजीरिया, केन्या और इथियोपिया में रेलमार्ग पत्तन नगरों को आंतरिक केंद्रों से जोड़ते हैं, परंतु अन्य देशों के साथ अच्छे रेलतंत्र की रचना नहीं करते। ठीक है, आगे देखिए, पार महाद्वीपीय रेलमार्ग पूरे महाद्वीप से गुजरते हुए इसके दोनों छोरों को जोड़ते हैं।
इसका निर्माण आर्थिक तथा राजनीतिक कारणों से विभिन्न दिशाओं में लंबी यात्राओं की सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया था। अब ये वाला रेलमार्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग, हिंदी में पार साइबेरियन रेलमार्ग, इसको मैप से भी देखेंगे। रूस का यह प्रमुख रेलमार्ग पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग से पूर्व में प्रशांत महासागर तट पर स्थित व्लाडिवोस्टक तक मास्को, कजान, ट्यूमिन, ठीक है, चिता खबरोवस्क से होता हुआ जाता है। यह एशिया का सबसे महत्वपूर्ण तथा यूरोप का सबसे लंबा धोरे पथ से युक्त वैद्युतीकृत पार महाद्वीपीय रेलमार्ग है। इसकी लंबाई कितनी है, देखो ये भी लिखी हुई है आगे, 9322 किलोमीटर ये लंबा है। इसने अपने एशियाई प्रदेश को पश्चिमी यूरोपीय बाजारों से जोड़ा है। यह रेलमार्ग यूराल पर्वतों, मोब तथा येनिसी नदियों से गुजरता है। चीता एक महत्वपूर्ण कृषि केंद्र तथा इरकुटस्क एक फर केंद्र है। इस रेलमार्ग को दक्षिण से जोड़ने वाले योजक मार्ग भी हैं, जैसे ओडिशा, कैस्पियन तट पर बाकू, ताशकंद, उलनबटोर और रोनियांग तथा चीन में बीजिंग की ओर भी इसको जोड़ा जाता है। ठीक है, हाँ, यहाँ पर इस मैप पर आप देख लीजिए, आपको प्रॉपर दिखाई दे जाएगा कि ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग कहाँ से होकर के गुजर रहा है। यहाँ पर देख लो, ये है सेंट पीटर्सबर्ग, यहाँ से आया मास्को, मास्को से कजान, फिर ट्यूमिन, ओमस्क, ठीक है, यहाँ से चिता होते हुए खबरोवस्क और अंत में इधर ये आ गया व्लाडिवोस्तक। ये पूरा का पूरा रूस ही है, लेकिन ये दो महाद्वीपों को आपस में जोड़ रहा है। इधर वाला ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये है एशिया, और ऊपर वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये है यूरोप। इनको आपस में जोड़ देता है ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग। ठीक है, हाँ, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है साथियों, तो ये हमने देखा ट्रांस साइबेरियन, आगे है पार कैनेडियन रेल मार्ग, जिसकी चर्चा करेंगे हम अगली क्लास में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप हमसे जुड़ते हैं या हमारे किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, जो कि आपको PCS, BEO और RO/RO की तैयारी कराने के लिए चल रहे हैं, तो इन दिए गए नंबर्स पर कॉल करिए और आप हमसे जुड़ करके अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।